हेलो भाई, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं D2H स्ट्रीम की, जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है। D2H ने जो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स निकाला है, उस सेटअप बॉक्स के इस सेटअप बॉक्स में क्या क्या है वो आप देख लो। सारा कुछ फ्रंट पे ही दिया हुआ है। अमेजोन प्राइम चलेगा आपका, यूट्यूब चलता है इसमें, सोनी लिव है, G5 है, वॉच है, बूट है, अल्ट्रा है, और इसमें गूगल प्ले स्टोर भी है। आप कुछ भी डाउनलोड करके, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें आप चला सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें वाईफाई सिस्टम है, बाकी ब्लूटूथ है। आप अपने फ़ोन से कास्ट भी कर सकते हो, जो अपने फ़ोन की स्क्रीन है उसी स्क्रीन को अपने टीवी स्क्रीन पर चला सकते हो। HDMI पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब कि जिसका LED है। आप इस बॉक्स को, ज़रूरी नहीं है आपका बड़ा टीवी हो, आप नॉर्मल टीवी पे भी आप देख सकते हो, छोटे टीवी पे भी आप यूज़ कर सकते हो उसे। गूगल असिस्टेंट से आप जैसे टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप गूगल असिस्टेंट से माइक में बोल के, जैसे ये बोल रहा है ऐसे बोल के, आप कुछ भी यूट्यूब से, प्ले स्टोर से जो भी मंगा सकते हो आप, ठीक है। बाकी चलिए अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। D2H स्ट्रीम नॉइज एंटरटेनमेंट कंट्रोल, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो सीरियल नंबर है, कई बार अगर आप लगवाते हो तो इसमें अपने रिचार्ज नंबर कौन सा होता है, लास्ट वाला होता है, ठीक है, BSC नंबर। बाकी इंस्टॉल चलिए शुरू करते हैं फिर, जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसकी बुकलेट निकलती है, चलो इसके बाद में देखते हैं। आगे अपना डिश D2H का सेटअप बॉक्स देखने में तो आपको लग रहा होगा कितना मस्त सेटअप बॉक्स है, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, ठीक है। बाकी इसको बुक करने के लिए आपने देखो इस नंबर पे आप कॉल करके, D2H के नंबर पे कॉल करके सेटअप बॉक्स को बुक भी कर सकते हो। और ये कुछ इस तरीके से देखो आगे पीछे। हाँ, अब इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या है। ये तो आपका पावर अडेप्टर हो गया, USB पॉइंट हो गया, एक USB पॉइंट पीछे है और एक USB पॉइंट ये रहा, यहाँ पे डबल USB पॉइंट है, एक रिकॉर्डिंग करने के लिए है तो, और एक आपका जो भी आपके पेन ड्राइव में वो देखने के लिए है। ये है SPDF, जिसके घर में कनेक्शन होता है वो इसमें आप लगा सकते हो। बाकी HDMI का पॉइंट है, इंटरनेट डायरेक्ट भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट की जो केबल होती है आप डायरेक्ट भी इसमें लगा सकते हो वाईफाई की। और अपना ये AB आउट आपका किसी का छोटा टीवी, नॉर्मल टीवी उस पर भी ये काम कर देगा, छोटे टीवी को भी स्मार्ट टीवी बना देता है। बाकी आपका RJ6 केबल का कनेक्टर जिसमें जो फिट होता है, ठीक है। बाकी बच्चों बॉक्स आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बुक अगर नहीं हो रहा आपको, आपसे बुक नहीं हो पाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के क्या दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलो इसको हटाओ फटाफट, वीडियो खत्म होती है। इसके अंदर देखो एक अडेप्टर निकलता है D2H का, अदर कंपनी का कोई लगाता है डिश टीवी का नहीं लेना है आपने, ठीक है। इसको हटाओ, यह आपकी स्पीड केबल है HDMI, इसमें भी कई तरीके की केबल हैं, ये काफ़ी मोटी केबल है। डिश टीवी में D2H में और कोई बंदा आता तो वाइट कलर की केबल आती है, पतली केबल होती है, लेकिन ये मोटी केबल है, ठीक है गाइस। बाकी हो गया इसका स्मार्ट रिमोट, देखो ये तो आपका शट्टा बॉक्स को ऑफ ऑन करेगा। उसके बाद में टीवी कंट्रोल का भी रिमोट है, इसमें टीवी को भी आप ऑफ ऑन कर सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट यूट्यूब चलाना, आप यूट्यूब बटन प्रेस करो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, वॉचो प्रेस करोगे वॉचो पे पहुंच जाओगे। बाकी आपके चैनल नंबर डायल करने के लिए कोई भी नंबर, आप G Cinema Starplus कुछ देखते हो नंबर याद है आपको, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर लगा सकते हो। वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल अप डाउन, और बाकी आपका गूगल जो
क्या बोलते हैं उसको, गूगल असिस्टेंट, इसमें आप ये बटन प्रेस करके रखोगे और बोलते हो कि गूगल प्ले स्टोर, मतलब जो भी है 2020 के न्यू सॉन्ग प्ले, तो वो प्ले कर देगा जो भी गाना बोलोगे, कुछ भी मंगाओ एक्सपर्ट, जैसे आपका फ़ोन चलता है सेम फीचर है फ़ोन की तरह, कोई चेंज नहीं है फ़ोन में, जो बोलते हो वही आएगा, वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें बुकलेट देख लेते हैं, इसमें जो बुकलेट के बारे में बता रहा था, ये भी सीखने की चीज़ होती है, नहीं नहीं जब होती है तो ये कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं, D2S का सेट बॉक्स कैसे कनेक्टिविटी होगी, ये पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बता दिया आगे पीछे का, बाकी और देखते हैं। रिमोट कंट्रोल है जो कि हर बटन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो, और अपना इसके बारे में, तो रिकवरी बटन के बारे में मैंने बताया, इसमें रिकवरी बटन का भी प्रॉब्लम आती है, सेटअप बॉक्स को रीसेट करना होता है, तो सेटअप बॉक्स के नीचे एक दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे फोन में होता है ना रिकवरी, ये इसमें पिन से दबाना पड़ता है कुछ देर के लिए, ये बॉक्स रीसेट हो जाता है, ये बटन, ये आपका HDMI केबल से जो है वो अपने LED चलते हैं, उसके बाद में आ जाओ अपना नॉर्मल TV को भी आप चला सकते हो, जो कि वन रेड येलो वाइट वाली जो केबल होती है 1.3 वाली, छोटी TV को भी आप स्मार्ट TV बना सकते हो। बाकी और आ जाओ, इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में बताना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, नेटवर्क से कनेक्ट करना है, कैसे करना है, रिमोट पेयरिंग से कभी हट जाता है तो आपने कभी आपका रिमोट काम नहीं करता है तो आपका ओके का बटन दबा के रखना है, लाइट जलेगी इसमें LED लाइट, और कभी 30 सेकंड तक दबा के रखोगे तो पेयर हो जाएगा, कभी भी लगाते हो और पेयरिंग हट जाती है इसकी। बाकी देखो ये जो चलने के बाद में, एक्टिवेट होने के बाद में कुछ इस तरीके से आता है, सर्च होम गाइड ऐप माई लाइब्रेरी, बाकी कुछ इस तरीके आएंगे, एल्ड बालाजी बोर्ड वाचो ये एप्लीकेशन है, बाकी कुछ ये सब दिखा रहे हैं, और ये जो दिखा रहे हैं नेटवर्क हो गया, डिस्प्ले हो गया, गूगल कास्ट कर सकते हो, कास्ट अपने स्क्रीन TV फ़ोन की स्क्रीन को अपने TV पे भी चला सकते हो इस बॉक्स के थ्रू, वाईफाई से कनेक्ट करके अपना सेटअप बॉक्स से जो भी वीडियो आप प्ले कर सकते हो। बाकी बुकलेट में इतना ही था, बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हो। यूट्यूब एंड किड्स बच्चों के लिए भी है इसमें, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करते हुए जरूर जाना और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो D2H डिश के बारे में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले इसी चैनल पे आई, क्योंकि मैं DISH TV में टेक्नीशियन हूँ, एक बॉक्स निकलने वाला है D2H में और DISH TV में, बहुत छोटा है ये, तो देखो इतना बड़ा है वो, इतना ही छोटा बॉक्स है, नॉर्मल सेटअप बॉक्स है, बहुत छोटा बॉक्स है, उसकी वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ।